पत्नी और वो वाली जब कहानी होती है, जब पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा बंदा या बंदी आ जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि पत्नी अपने पति का चेहरा भी देखना नहीं चाहती है, उनकी सारी अच्छाई को ही भूल जाती है। ये बातें पत्नी पर भी लागू होती है, क्यों उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती, उनके हर शब्द उनके कान को चुभने लगता है। ऐसा क्यों पत्नी को हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस बंदे से वो बात कर रही होती है ना, वो बहुत ही प्यार से पेश आते हैं, बहुत ही बाबू सोना, आई लव यू, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम अगर मेरे पास होती तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, इस तरीके से बॉयफ्रेंड बात करता है, उसका बिल्कुल एकदम से माइंड को वॉश कर दिया जाता है। और पति बेचारा जिनका घर टूट रहा है, वो पत्नी को प्यार से डांट कर, मतलब बहुत तरह से वो कोशिश करते हैं, अपशब्द भी बोलते हैं, ताकि इसे रियलाइज हो कि ये जो कर रही है ये गलत है, इसलिए वो अपशब्द का भी प्रयोग करते हैं, वो चिल्लाते भी हैं, लेकिन सामने वाला पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि उधर से इतना ज्यादा प्यार से बोला जा रहा है ना, उधर से मीठी छुरी चलाई जा रही है, सामने वाले को अभी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपकी पत्नी के कोई बॉयफ्रेंड है या पति के गर्लफ्रेंड है, तो ज्यादा आप मत समझा, वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका माइंड वॉश हो चुका है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अरे पागल, इंटेंशन देखो। अगर आपकी पत्नी आप पर चीख चिल्ला रही है या आपका पति आप पे चीख चिल्ला रहा है, तो क्यों? आपको खोने के डर से, आपका घर टूट न जाए, इसलिए आपके बच्चे, पति पत्नी के बीच में सबसे ज्यादा पिसते हैं तो उनके बच्चे, तो वो अपने घर को, वो अपनी बसी बसाई दुनिया को जोड़ सके। 10 साल का रिलेशनशिप अचानक से टूट जाए तो उतना लॉजिक दिमाग में नहीं आता कि आपको लॉजिकल कोई समझाए, लेकिन आपकी खुद की अकल कहां गई है? जो आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो कि आपको कोई घर से समझा रहा है तुम बहुत अच्छी हो, तो आपको वो अच्छे लग रहे हैं, और जो अच्छे व्यक्ति हैं वो आपको समझा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, तो वो आपको खराब लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि आप मत समझाओ अपनी पत्नी को, ये जो कर रही है इनको करने दीजिए, इन्हें खुद, इनको जब खुद समझना होगा तो ये समझेंगे, नहीं तो फिर अलग ठिकाना ढूंढेंगे, इनका सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा, ये सुधरने वालों में से नहीं है, ऐसे लोग नहीं सुधरते हैं।